हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सिन मैजिक कट। और आज की वीडियो में बात करूंगा जीपीयू रेंडर एरर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो एरर्स हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसे मैं सिंपल कंट्रोल एम करूँगा। कंट्रोल एम करने के बाद मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, कुछ सेकंड चलने के बाद यहाँ पे जीपीयू रेंडर एरर शो हो रहा है। अगर आपके वीडियो में भी वीडियो को रेंडर करते समय जीपीयू एरर शो हो रहा है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसे कैंसिल करना है, सिलेक्शन रेंडर करना है। सिलेक्शन रेंडर कैसे करना है कि आपने जहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट करनी है वहाँ पर आई प्रेस करेंगे, जहाँ तक इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर वो प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन रेंडर हो जाएगा कुछ ही सेकेंडों में। और सेलेक्शन करने के बाद भी आपको सेम एरर शो हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग और यहाँ पे जनरल, जनरल में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, रेंडर में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपीयू से आपका रेंडर हो रहा है, तो इसे क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर ऑनली करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ऑनली, इसे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, कंट्रोल एम प्रेस करना है। कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद आपने इनकोडिंग सेटिंग में जाना है। इनकोडिंग सेटिंग में जाने के बाद आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो ये आपके हार्डवेयर से हो रही है, इसे सॉफ्टवेयर से कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि आपकी जो रेंडरिंग स्पीड है थोड़ा सा स्लो होगी, लेकिन जो आपका जीपीयू रेंडर एरर शो हो रहा था वो इसके बाद नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मेरा जो रेंडर है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर वीडियो वाज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। तो आप वीडियो को एक बार रिचेक कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में जाऊँगा, डेस्कटॉप में यहाँ पे सीक्वेंस ऑन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं एक्सपोर्ट निकालना चाहता था मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो में जीपीयू रेंडर एरर शो हो रहा है तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग को चेंज करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।